हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीएस देखो और सीखो। चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि देखिए इस तरह का सर्टिफिकेट, ठीक है, वैक्सीन सर्टिफिकेट, ठीक है, कैसे बनाते हैं। अल्टी पल्टी देखिए, ठीक है, दोनों तरफ दिख रहा है, तो इस तरह का कैसे बनाएंगे। मेरा पहले भी एक वीडियो बना हुआ है जो बहुत लोगों ने देखा है और बहुत सारे कमेंट किया है कि आपने सिर्फ बार्ड कोर को ऐड किया है और मोदी का फोटो नहीं आ रहा, ठीक है, एक साइड का, ठीक है। मैंने सिर्फ उसमें बार कोड ऐड किया था और ऊपर वाला भाग को ऐड किया करके बनाया था, ठीक है। तो इस बार आप लोगों को दोनों करके दिखाऊंगा, अल्टी पल्टी दोनों साइड कैसे किया जाता है सब दिखाऊंगा। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और आप लोग देख लीजिए, सीख लीजिए, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा, कैसे प्रिंट आउट निकालेंगे, कैसे लेमिनेशन करेंगे, कैसे कटिंग करेंगे, कंप्लीट इस तरह का निकाल के दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो डेली डालते रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पर, तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग देखिए इस सर्टिफिकेट को स्मार्ट कार्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो देखते रहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड जाएंगे, इसमें जाएंगे, ठीक है, इस पेज को ऐड करना है, ठीक है। किस में ऐड करना है देखिए, पिक्सेल लैब में ऐड करना है, ठीक है, इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद ओके कीजिएगा, ठीक है। ओके करने के बाद देखिए ऊपर में प्लस, प्लस में दबाएंगे, फ्रॉम गैलरी में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जाने के बाद इसको ले लेना है, पेज सर्टिफिकेट को ले लेना है। सर्टिफिकेट को लेने के बाद इस तरह से इसको क्रॉप करना है फ्रेंड, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से इस तरह से ऊपर वाला भाग को क्रॉप कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसको इस जगह पर इस तरह से ऐड कर देना है, इस तरह से ऐड करना है, देखिए, देखते रहिए। देखिए ऐड हो गया, इसको फिर उसके बाद प्लस में दबा के एक फ़ोटो ले लेना है, ठीक है, अपना, ठीक है। फ़ोटो लेने के बाद देखिए, फ़ोटो लेते हैं, किसमें है मेरा फ़ोटो, इसमें है, ठीक है, इसमें से एक फ़ोटो मिलेगा मेरा, ये वाला, ठीक है। इसको भी क्रॉप कर लेते हैं ऊपर से इस तरह का, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, और ओके करेंगे, इसको लगा देंगे ऊपर में, ठीक है। इसी के बीच एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, हो गया, इसको एक काम हो गया, ठीक है। इसको अभी सेव कर देंगे, ठीक है, अल्ट्रा में सेव कर देंगे, फुल एचडी में, इस तरह से, ठीक है, सेव हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसको ऐसे ही रहना देना है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देना है, कुछ दिक्कत नहीं है उसका। फिर प्लस में दबाएँगे, फिर फ्रॉम गैलरी में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से ले लेना है सर्टिफिकेट का, ठीक है, सर्टिफिकेट को ऐड करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ नीचे वाला भाग को ले लेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पूरा नीचे वाला भाग को ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ओके, ओके करने के बाद इसमें पूरा भर देंगे उस, इसको, ठीक है, इस तरह से उसमें पूरा भर देंगे इसको, ठीक है, इस तरह से भर दीजिएगा, है ना। भरने के बाद बस इसका भी काम हो गया, इसको भी सेव कर लेंगे, ठीक है, सेव कर लीजिएगा अल्ट्रा में, ठीक है, दोनों काम हो गया। अभी देखिए इसको पूरा बंद कर दीजिएगा, ठीक है। बंद करने के बाद फिर पिक्सेल लैब में जाएंगे, ठीक है, यहाँ आने के बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इमेज साइज में जाएंगे, 4:6 साइज ले लेना है यहाँ पर, ठीक है, 4:6, ओके, ठीक है। टेक्स्ट को हटा देना है, डिलीट कर देना है, पेज को ब्लैक, सॉरी, पेज को वाइट करना है, ठीक है, ठीक है। फिर प्लस में दबाएंगे, फ्रॉम गैलरी में जाएंगे, जो बनाए थे उसका अभी चाहिए, ठीक है, इसमें ओके करेंगे, पिक्सेल में जाएंगे, ठीक है, पहला वाला भाग को ले लेना है पहले, ठीक है, इसको ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद
इसके साइज में पूरा आपको छोटा करके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इतना कर दीजिएगा। इसमें थोड़ा बॉर्डर लगा दीजिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ से जाके इस तरह से एक पेज हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस में जाएंगे, फ्रॉम गैलरी में जाएंगे, दूसरा वाला भाग को लाना है, ठीक है। इसको भी ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, इसी का साइज से, ठीक है, एकदम सीधा सीधा, एकदम छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसको भी बॉर्डर लगा देंगे साइड में, ब्लैक वाला, ठीक है। देखिए थोड़ा नीचे वाला बड़ा हो रहा, ठीक है, इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। देखिए ये वाला निकल जाएगा A4 साइज में, ठीक है। तो इतना होने के बाद इसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है, सेव कर लीजिएगा, ठीक है, अल्ट्रा में सेव कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेव हो गया, देखिए अभी कैसे दिखेगा, ठीक है, देखते रहिए वीडियो को, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अभी इसको प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, A to Z बताऊंगा, प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे और कटिंग करके लेमिनेशन कैसे करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, तो देखते रहिए। तो चलिए मेरा लैपटॉप में, हाँ, तो फ्रेंड्स इस तरह से एडोब फोटोशॉप में ऐड कर लीजिएगा, इस तरह से सेटिंग कर लीजिएगा पेज में, उसके बाद प्रिंट आउट सेट कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से, उसके बाद प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है। देखिए सेट किया हुआ है मेरा, इसको कैसे निकालते हैं देखिए, देखते रहिए, साइड में निकल जाएगा, देखिए प्रिंट में, देखिए इधर निकलने वाला है, देखिए निकल गया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कार्ड को कटिंग कर लिया है, दोनों कार्ड को इधर से और उधर से अल्टी पल्टी दोनों को काट लिया है, ठीक है। इसको फिर लेमिनेटर पेपर में ऐड करेंगे ए वाला में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, बीच में मैं इसको रख दिया हूँ कार्ड को, ठीक है, उसके अंदर में, ठीक है, इस तरह से आप लोग भी रख लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से आप लोग रख लीजिएगा एक मोटा पेपर के बीच में, ठीक है, और उसको लेमिनेटर के बीच में डाल देंगे, देखिए मशीन है मेरा ये, इसको डाल देंगे अंदर में, ठीक है, डाल के छोड़ देंगे, ठीक है, अपने आप खींच लेगा, वो खींचेगा अपने आप, ठीक है, इस तरह से खींचेगा। और ये देखिए निकल गया, इधर निकल गया, निकलने देते हैं पूरा, ठीक है, अभी निकल गया। देखिए आप लोगों को अभी दिखाते हैं फाइनल क्या हो गया, देखिए पूरा कंप्लीट, अच्छा से चिपक गया है, अच्छा से चिपक गया है, कंप्लीट बन गया है, देखिए दोनों साइड बन गया है, देखिए इधर भी और उधर भी, देखिए इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।